माँ को टिफिन छोड़ दोस्तों के साथ नहाने पहुंचे चार बालकों में एक के डूब जाने से अब तक लापता। एनडीआरएफ की टीम के साथ गोताखोर ने नदी के डूबे बालक की तलाश जारी रखी है। वहीं मौके पर पहुंचे शहर विधायक ने पानी में लापता बालक को खोजने जल्द बेहतर पहल करने कलेक्टर से की चर्चा। लगातार रुक रुक के हो रही बारिश से एक तरफ नदी नाले ओवरलोड बह रहे हैं, वहीं दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी भी अपने शबाब पर बह रही है, जहां परिवार को एक दुखद घटना हो जाने से आसपास का माहौल गमगीन हो गया। गौरतलब है कि मिली जानकारी के अनुसार पंचशील नगर निवासी तुषार साहू, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है, जो अपने दोस्तों के साथ दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर नहाने के साथ ही उफनती नदी पर बने एनीकट को पार कर रहा था, जिसके चलते पैर फिसलने से नदी में जा गिरा। लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते तुषार पानी के बवंडर में जा डूबा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मदद के लिए पुलिस को सूचना दी और साथ ही डूबे हुए बालक के परिजनों को सूचित किया। वहीं परिजनों से चर्चा के दौरान पता चला कि तुषार अपनी मां के लिए टिफिन छोड़कर अपने दोस्तों के साथ शिवनाथ नदी जा पहुंचा और नहाने के साथ एनीकट को पार करने के दौरान नदी में जा डूबा। और बताया कि तुषार के अलावा परिवार में एक बहन और एक भाई है, ये घर में सबसे छोटा था। वहीं तुषार के पिता भगवत साहू ड्राइवर है और माँ किसी मिल में काम करती है। अब क्या है, सवेरे मम्मी को टिफिन छोड़ने के बाद में काम पे जाती है मम्मी, तो उसको टिफिन छोड़ा और अपने दोस्तों के साथ में नदी आ गए और ये हादसा हो गया। कौन जानकारी दी आपको यहाँ का? वो मोहल्ला में सपना भाभी नाम के आंगनबाड़ी में काम करती है, उससे हम लोगों को जानकारी दी। आप क्या लगते हैं बच्चे के? चाचा जी। घटना की जानकारी लगते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, नदी में डूबे हुए बालक की पतासाजी के लिए गोते लगा ढूंढते रहे। तो वहीं दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा को भी जानकारी मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंच दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर पानी में डूबे हुए लापता बालक को खोजने बेहतर प्रयास किए जाने की बातें कही। साथ ही पता चला कि मोगरा जलाशय से शनिवार की शाम 4 बजे 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते शिवनाथ नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण गोताखोरों और मछुआरों को बालक की तलाश करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी जिला नदी में तो निकट है, वहाँ पर डूबने से बच्चे लोग, सुबह आए थे 4 बच्चे, उसमें से एक बच्चा 14 वर्ष का जो तहसील नगर दुर्ग का निवासी था तुषार साहू, वो उसके डूबने से अभी तक तो वो डूब चुका है लेकिन अब पता नहीं चला है, मिल नहीं पाया है, उसकी तलाश जारी है। मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि बरसात का समय है, मोगरा जलाशय खोला गया है और एनीकट में पानी भरा है, बच्चे लोग खेलने आते हैं, देखने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को पूरी तरीके से चाक चौबंद हो जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन की टीम यहाँ पर होनी चाहिए। मुझे इसकी आज जानकारी पार्षद मनीष साहू ने दी और मैं सुबह ही यहाँ पहुँचा और 4 घंटे हो गए हैं, लगातार तलाश जारी है। अब भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए एक केंद्र स्थापित यहाँ पर किया जाए और यहाँ की पर्याप्त मात्रा में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन को ऐसे स्थानों पर बहुत सजगता से काम करने की जरूरत है। मुझे करीब 10:30 बजे नदी से फ़ोन आया कि पंचिंग नगर का हाल दुर्ग थाना टीआई का फ़ोन लगाया और यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद अपने टीम को भेजने के लिए बोला कि उसके बाद मैं भैया को फ़ोन लगाया, फिर भैया ने भी तत्काल कलेक्टर को बोले और टीम आई है। अब पहले तो यहाँ के जो मछुआरे लोग को ढूंढ रहे थे, उसके बाद यहाँ के जो एनडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो अभी ढूंढ रही है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। ठीक। एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा लगातार चेतावनी के बावजूद नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाने एनीकट के आगे बैरिकेड लगा रखा है, वहीं कुछ लोगों के द्वारा अनदेखी कर लगातार खतरा मोल लिया जा रहा है, जिसका नतीजा आज इन बच्चों के द्वारा भी देखा गया। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोकने किस तरह का सार्थक प्रयास किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।